चलिए बेटा, सबसे पहले हम जो से स्किन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे छोटे मोटे वो डिजीज हैं जिनमें दाने निकल आते हैं, जिनमें साफ या आम अल्फाज में उन्हें आप कहोगे कि दाने निकल रहे हैं या ख़ारिश हो रही है वगैरह वगैरह। इस तरह की किस तरह की इलनेसेस होती हैं और वो कितने फ़र्क होते हैं। अब दानों वगैरह में फ़र्क तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, लेकिन अब वो कौन कौन सी इलनेसेस में होते हैं वो अब हम देख लेते हैं ज़रा डिटेल में। तो इस लेक्चर के भी दो हिस्से हैं, एक ये सिंपल बीमारियां वगैरह हैं और एक ज़रा लंबी बीमारी है जिसमें स्किन कैंसर वगैरह आ जाते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज आ सकते हैं। तो स्किन कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज जो हैं वो हम बाद में देख लेंगे, पहले हम ये छोटी छोटी जो इलनेसेज हैं उनको अच्छी तरह से देख लें। अब स्केबीज क्या होता है? स्केबीज में जो स्केबीज का कॉज होता है वो स्किन के नीचे छोटे 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 कीड़े टाइप चीज़ होते हैं, माइट्स उन्हें कहते हैं, वो स्केबीज क्रिएट करती हैं। और इसका सिम्टम ये होता है कि काफ़ी शदीद किस्म की ख़ारिश होती है। ट्रांसमिशन स्क्रैच करने से, फिंगर नेल्स के अंदर माइट्स आ जाएं और फिर दूसरे इंसान की स्किन पे आप रब करो, ठीक है, या ऐसी ऐसी चीज़ को यूज़ करो जिस पे किसी और स्केबीज वाले बंदे ने उसे यूज़ किया हो। कीबोर्ड्स हो गए, टॉयलेट्स हो गए, कपड़े हो गए, फर्नीचर, बेडिंग वगैरह। प्रिवेंट कैसे करते हैं स्केबीज को? अच्छी तरह से धो हर चीज़ को और हॉट आयरन आप यूज़ करें तो उससे भी प्रिवेंशन हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या, एक दफ़ा हो गई है तो सल्फर बेस्ड ऑइंटमेंट्स या सल्फर आप यूज़ कर सकते हैं। और सफाई, स्केबीज के लिए सफाई, सफाईनेस ईमान है, स्केबीज से बचाएगी आपको। इस तरह से उसके आपको नज़र आ रहे होते हैं वूंड्स और शदीद एचिंग कर करके सारी स्किन जो है ना वो इस तरह ख़राब हो चुकी होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है दैट इज़ रिंग वर्म। रिंग वर्म एज नेम इंडिकेट्स मोस्टली इज कॉज बाय फंगस, ज़्यादातर इसको फंगस कॉज करती है। और वो फंगस कहाँ पे होती है? वो जो आपकी एपिडर्मल स्किन होती है, जो डेड स्किन होती है, उस पे, हेयर टिश्यू पे और नेल टिश्यू पे, उसके ऊपर जो फंगस लगी होती है दैट कॉज रिंग वर्म। और ये जो है एक लाल रंग का हल्का सा पैच बना देती है और या बम्प या रेज्ड सरफेस बना देती है और इवेंचुअली उस पैच के इर्द गिर्द ना एक रिंग बन जाता है, हेंस द नेम रिंग वर्म। जहाँ भी आपको रिंग नजर आए बॉडी के ऊपर, रिंग शेप्ड रेड कलर्ड पैच, दैट इज मोस्टली अ फंगस, ठीक है। और उस रिंग के जो बॉर्डर्स होते हैं वो ब्लिस्ट्री हो सकते हैं या स्केली हो सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन जो है दैट इज स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अगेन शेयरिंग आइटम्स लाइक टॉवल्स और स्पोर्ट्स केयर। अगर किसी और इंसान का आपने यूज कर लिया जिसको रिंग वर्म हुआ है तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, और इसको आप एंटी फंगल क्रीम्स के थ्रू ठीक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंगस दैट इज देयर। सो अगर आप देखो दिस इज अ रेज्ड पैच, रेज्ड है या नहीं ये पता नहीं चल रहा है इस पिक्चर में, लेकिन दिस इज अ पैच, रेडिश पैच, जिसके इर्द गिर्द साइड पे बॉर्डर्स पे रिंग जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। एक्जिमा, एक्जिमा, एक्जिमा जो है दैट इज अ टाइप ऑफ स्किन इन्फ्लेमेशन, और ये स्किन इन्फ्लेमेशन जो है नॉर्मली एलर्जिक होती है। तो एलर्जी में कॉज नॉर्मली स्ट्रेस हो सकता है, इरिटेंट्स हो सकते हैं। इरिटेंट्स किस तरह के? किसी को किसी खास किस्म की सोप से एलर्जी हो सकती है और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी एलर्जी जो है वापस आ जाती है। सो इट्स बेसिकली एन एलर्ज स्किन का एलर्जी का डिजीज़ है और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन की और स्किन रेड, ड्राई और इची होती है। क्यों एक्जिमा होता है कुछ लोगों को और कुछ लोगों को नहीं होता? इसकी वजह यह है कि जेनेटिकली जो इंसान का मेकअप है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सम ऑफ यू वुड बी मोर ससेप्टेबल टू एक्जिमा एंड सम ऑफ यू वोंट बी। ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है? स्टीरॉयड क्रीम्स, कॉर्टिसोन क्रीम्स, इंजेक्शन होते हैं कुछ वो लगा सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटी हिस्टमीन्स। एंटी हिस्टमीन्स आप लोगों ने आई थिंक फार्मा में पढ़ ली होंगी या पढ़ने वाले हो गए। एंटी हिस्टमीन, हिस्टमीन की जो
रिसेप्टर्स हैं उनको जाके ब्लॉक करती है, और हिस्टामिन जो ज़्यादातर एलर्जी में निकलती होती है, तो वो जब आप एंटी हिस्टामिन देते हैं तो फिर पेशेंट्स की जो एलर्जी है वो अंडर कंट्रोल होती है। फोटोथेरेपी और कोल्ड कंप्रेसेस, कोल्ड कंप्रेसेस जिसे कहते हैं, जैसे जब बुखार होता है बहुत ज़्यादा इंसान को, तो वो जो उसकी ठंडी पट्टियाँ कर रहे होते हैं, दैट इज़ व्हाट कोल्ड कंप्रेस इज। और फोटोथेरेपी, ठीक है, दिस इज मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक जिसमें स्किन की, फोटोथेरेपी इज मोर लाइक लेजर थेरेपी एज वेल, कि अगर बार 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 बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड देर इज नथिंग दैट इज प्रिवेंटिंग और ट्रीटिंग इट, तो आप फिर ये सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ऑल दो इट इज़ नॉट अनकॉमन टू हैव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर दैट, इसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो ये इन्फ्लेम्ड ड्राई इची स्किन है, एक्जिमा जिसे कह रहे हैं, इतनी ड्राई है, इतनी ड्राई है कि आपकी जो उसकी जो डर्मिस है, एपिडर्मिस है, वो बार 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 उतर रही है हल्की हल्की। हाइव्स इज मोर स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन, एक्जिमा इज ऑल्सो एन एलर्जी, हाइव्स इज ऑल्सो एन एलर्जी, बट एक्जिमा और हाइव्स में फ़र्क ये है कि हाइव्स में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन है, और इसमें जो एलर्जेंस होते हैं उनका अच्छी तरह से पता होता है। एक्जिमा के जो एलर्जेंस होते हैं वो इतनी अच्छी तरह से नहीं पता उसका कॉज, यहाँ पे जो एलर्जेंस है वो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होता है। एस्पिरिन से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, या दवाइयों से एलर्जी होती है, एस्पिरिन या पेनिसिलिन, ठीक है, या कुछ खास फूड आइटम्स हैं जैसे कि यू हैव सम एग्स एंड नट्स, शेल फिश, फूड एडिटिव जो होते हैं उनसे, टेम्परेचर की एक्सट्रीम से, और इन्फेक्शन जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकल, उससे ये बहुत स्ट्रांग एलर्जिक रिएक्शन है। इट लुक्स लाइक वेल्ट्स, वेल्ट्स लाल लाल बम्प्स होते हैं, रेज उनको कहते हैं, और इची और स्टिंगिंग होते हैं, शदीद बर्निंग किस्म की पेन हो रही होती है, और चूंकि इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन, इट इवेंचुअली कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सारे के सारे जो स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो इवेंचुअली ब्रीदिंग में डिफिकल्टी कॉज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन, अगेन एंटी हिस्टामिन जो वो प्रिवेंट कर सकती है। सो ये एलर्जिक रिएक्शन इस तरह से होता है, रेज्ड इची एरियाज बन जाते हैं, जो शदीद एलर्जी होती है एकदम से जो होती है। अच्छा, इसके बाद वी हैव सोरायसिस, सोरायसिस का कॉज भी नहीं पता, लेकिन देर इज द थ्योरी कि अगर स्किन सेल्स नए वाले बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करना शुरू करें तो उसकी वजह से स्किन इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाती है, तो फिर थिक रेड प्लाक्स आपको नजर आते हैं और उनके ऊपर सिल्वर 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 स्केल्स होते हैं, ये रेज्ड रेडिश एरियाज विद सिल्वर स्केलिंग, दैट इज सोरायसिस। और इसको स्टीरॉयड क्रीम्स आप लगा सकते हैं, रेटिनॉइड क्रीम्स, लाइट थेरेपी एंड मेडिकेशंस। रेटिनॉइड का मतलब होता है विटामिन ए से बनी हुई कुछ क्रीम्स। ये देखें, अगर आप इसके बाजू पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिस इज अ रेज्ड एरिया, उसके बाद स्किन के ऊपर यू हैव दो सिल्वर स्केल्स, दैट इज सोरायसिस। सोरायसिस बेसिकली ज्यादातर ऑटो इम्यून इलनेस है। एक्नी, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्किन कंडीशंस, ज्यादातर हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्नी आते हैं। होता कैसे, गोल सा एलिवेटेड एरिया ऑफ स्किन विच कैन बी ब्राउन, पर्पल, पिंक और रेड इन कलर, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है इसकी, ऑयली एरियाज को साफ रखें और इनको स्क्वीज मत कीजिए, इफ यू गोना स्क्वीज देम इट्स गोना कॉज इन्फेक्शन, एंड नॉट ओनली इन्फेक्शन, स्कार्स भी बनेंगे और वो स्प्रेड भी करेगा। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन हैं वो रेटिनॉइड क्रीम्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और बेंजोइल परऑक्साइड है, जो एक्नी पे यूज करने से एक्नी किसी ना किसी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। बट इवेंचुअली स्लोली स्लोली जब हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो कम होती हैं और हार्मोन्स इतने ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं हो रहे होते इंसान की बॉडी में, तो एक्नी भी स्लोली स्लोली रिग्रेस करना शुरू कर देती है और खुद ब खुद ही खत्म होना शुरू हो जाती है। व्हाट एल्स डू वी हैव ओवर हियर, कोल्ड सोर्स, कोल्ड सोर्स या फीवर ब्लिस्टर्स जिन्हें कहते हैं, कोल्ड सोर्स बेसिकली हर्पीज सिंप्लेक्स, इस तरह का जो वायरस है जो फीवर कर रहा हो
उसकी वजह से ये जो छाले बन जाते हैं, छाले नहीं होते बेसिकली, अगेन हल्के हल्के दाने होते हैं वो, और शदीद धूप की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और एक्सट्रीम मेंस्ट्रुएशन की वजह से भी ये कोल्ड सोर्स बन जाते हैं। दे आर बेसिकली फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स, कोल्ड सोर्स फ्लूइड फिल्ड होते हैं, दे आर पेनफुल, ठीक है, एंड दे कैन बी ऑन द माउथ रीजन, ओरल कैविटी के पास या नाक के पास। ट्रीटमेंट इनकी एंटीवायरल पिल्स, वायरस की वजह से अगर हो रहा है तो एंटीवायरल पिल्स या क्रीम्स, एंड अगर इसके अंदर खुदा ना खास्ता पस आ रही है तो फिर आपको डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट करना पड़ेगा अबाउट व्हाट टू डू। नॉर्मली ये फ्लूइड जो होता है बेसिकली ये पस वाला नहीं होता, ये सिंपल फ्लूइड होता है, एडिमा की तरह का फ्लूइड होता है। तो अगर आप देखो ये इसके यहाँ पे एक कोल्ड सोर बना हुआ है, बेसिकली ज़्यादातर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो कॉज कर रहा होता है। जहन में हर्पीस सिम्प्लेक्स का नाम ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, वॉर्ट्स क्या होते हैं? वॉर्ट्स आर रेज्ड स्मॉल ट्यूमर या रफ ट्यूमर्स, ज़्यादातर ये एक ही वायरस से कॉज होते हैं, विच इज़ नोन एज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और हाथों और पाँव पे ज़्यादातर होते हैं, लेकिन और लोकेशंस में भी हो सकते हैं, एंड दे लुक लाइक अ कॉलीफ्लावर और सॉलिड ब्लिस्टर, दिस रेज्ड स्मॉल ट्यूमर्स ड्यू टू ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ट्रांसमिशन अगेन पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन है इसकी, और अगेन कोई चीज़ शेयर कर रहे हो आप जो वायरस वाला इंसान यूज़ कर रहा है। प्रिवेंशन इसको अगेन, डू नॉट पिक देम अप, कवर देम विद बैंडेज एंड कीप देम ड्राई। करते क्या है ऐसे, क्रायोथेरेपी होती है, क्रायोथेरेपी का मतलब होता है कि फ्रीज कर दें आप, सर्जिकल रिमूवल क्योंकि छोटा सा ट्यूमर है, लेजर्स और कुछ केमिकल्स के थ्रू से वॉश करना, अगेन दैट काइंड ऑफ एंड्स दैट वॉट। अच्छा, इसके अलावा वन ऑफ द स्किन कंडीशंस इज मिलाज्मा, मिलाज्मा कहते हैं प्रेगनेंसी मास्क को, मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो ब्राउनिश पैचेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं चेहरे के आसपास, चीक, नोज, फॉरहेड, चिन पे। खुवातीन अगर सनलाइट से दूर रहें तो ये प्रिवेंट हो जाता है, और इसकी कुछ ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर का मतलब होता है जो आपको आसानी से बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की फार्मेसी में चीज़ें मिल जाए, ठीक है, कुछ फार्मेसी में चीज़ें नहीं होती और स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन से मिलती हैं, दे आर नॉट ओवर द काउंटर ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन कुछ क्रीम्स होती हैं जो आप लगा सकते हैं जिसकी वजह से हेल्प होती है, बट देन अगेन इतना इतना फ़ायदा नहीं होता उनका, क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी ठीक होती है ये पैचेस भी खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ प्रेगनेंसी पैचेस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वी हैव चिकन पॉक्स, हर एक को चिकन पॉक्स के बारे में तो अच्छी तरह से ऑलरेडी पता ही होगा। चिकन पॉक्स जो वो जो वायरस करता है उसका नाम है वेरिसेला जॉस्टर वायरस। बेटा ये वायरसेस के नाम अच्छी तरह से याद रखिएगा कि वार्ड्स कौन से वायरस करते हैं और ये कोल्ड सोर्स कौन से वायरस कर रहा है, हर्पीस सिम्प्लेक्स, ह्यूमन पेपिलोमा एंड चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला जॉस्टर वायरस है, ठीक है। ये भी हर्पीज वायरस की टाइप्स है, हर्पीज वायरस की कोई 8-10 टाइप्स हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स आपने अभी देख लिया, वेरिसेला जॉस्टर ये आ गया। अब इसमें रैश जो है वो इची होता है और रेड स्पॉट्स और ब्लिस्टर्स बनते हैं, अगेन कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन है इसकी, वैक्सीन लगाओगे तो प्रिवेंट हो जाएगा, अगर हो जाए तो फिर रेस्ट करो और मेडिकेशन इज यूज टू रिड्यूस इचिंग, फीवर हो जाता है इसके साथ उसको कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं कुछ उनको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा वी हैव हीट रैश जिसे आप नॉर्मली पिथ कहते हैं, गर्मियों में जो निकल आती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, या अगर आप एक छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहना दें तब भी हो सकता है। तो इसका जो रैश होता है वो छोटे छोटे रेड या पिंकिश पिंपल्स की तरह का होता है, और लाइट ड्रेसिंग कीजिए हॉट और ह्यूमिड वेदर से दूर रहिए अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अदरवाइज आप टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल सोप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक दफ़ा हो जाए, एंड ऑब्वियसली अक्सर लोग पाउडर भी यूज़ करते हैं, वो बेसिकली सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि स्किन को ड्राई रखें और स्वेट डक्ट्स में वो पेटेंट रखें, वो किसी तरह से ब्लॉक ना हो, एज यू वुड बी वेल अवेयर ऑफ थिंग्स। ये इस तरह का
रैश लाइक इस तरह का जो रैश होता है वो हीट रैश के प्रिकली हीट से आप कह सकते हैं, प्रिकली हीट इफेक्ट. अच्छा इसके बाद वी हैव स्किन कैंसर. इन द यूएस दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर एंड तकरीबन 50% जितने भी कैंसर हैं वहाँ पे उन वो स्किन कैंसर होते हैं. और वहाँ पे स्किन कैंसर इज ग्रेटर देन इवन द ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर और प्रोस्टेट कोलन किडनी कैंसर. ये जो सारे के सारे बड़े बड़े कैंसर हैं इन सारों को आप इकट्ठे जमा भी कर लें तो उससे ज़्यादा स्किन कैंसर होता है. हर 5 में से एक अमेरिकन को उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी स्किन कैंसर होगा. और 1 million पीपल आर डायग्नोज विद इट एवरी ईयर एंड एवरी आवर 1 American डाइज विद स्किन कैंसर. सो अक्सर स्किन कैंसर का मसला ये होता है कि इट गोज अनडिटेक्टेड. ठीक है, सो इसकी वजह से इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही होती हैं. सो स्किन कैंसर की जो टाइप है उसमें 3 टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड मेलानोमा. ठीक है, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड मेलानोमा. मेलानोमा जो है बेसिकली वो मोल्स, नॉर्मल सिंपल मोल्स ऐसा लगता है, लेकिन मोल्स में अगर कुछ खास चेंजेस आ रही हो तो आपको फिर ज़रा एहतियात करनी चाहिए और उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो मोल्स ही इवेंचुअली मेलानोमा बनते हैं. ठीक है, लेट्स सी. बेसल सेल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा जो डायग्नोज टाइप है स्किन कैंसर्स की उसमें बेसल सेल कार्सिनोमा सबसे ऊपर है, और ज़्यादातर ये फेस, नेक, ईयर्स और लिप्स और नोज पे आता है. और बेसल सेल कार्सिनोमा ज़्यादातर डेथ कॉज नहीं करता लेकिन तेज़ी से फैलता है और मसले मसाइल हेल्थ के क्रिएट करता है. और जहाँ ये जो आपको जो चीज़ें दिखाई हैं अभी बताई हैं, सॉरी, पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, फेस, नेक, ईयर्स एंड लिप्स, लिप्स एंड नोज, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा सन एक्सपोज होते हैं. तो जो सबसे ज़्यादा सन एक्सपोज एरियाज होते हैं स्किन के वहाँ पे बेसल सेल कार्सिनोमा डेवलप करता है. बेसल सेल कार्सिनोमा आपको नज़र कैसा आता है, लाइट पिंक सा या फ्लैश, यानी कि आपकी मीट टाइप कलर्ड बम्प्स होते हैं और उनकी वैक्सी सी अपेयरेंस होती है, पर्ली या वैक्सी, कि एक हल्का सा पिंकिश वैक्स है या फ्लैश कलर्ड बम्पी वैक्सी अपेयरेंस है. स्लोली ग्रो करते हैं, फेटल नहीं होते, ज़्यादा डेथ नहीं होती इसमें, लेकिन इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं कि आपको शक्ल सूरत डिसफिगर होना शुरू हो जाती है और फिर आपको सर्जरी चाहिए होती है उनको रिमूव करने के लिए. अच्छा, पूरे के पूरे यूएस में है बेसल सेल कार्सिनोमा लेकिन सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा होते हैं. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप है, बेसल सेल कार्सिनोमा से ज़्यादा एग्रेसिव है, तेज़ी से फैलता है और डेथ कॉज कर सकता है. और इसके अलावा अगेन ये भी उन्हीं एरियाज में होते हैं जो बॉडी के वो एरियाज जो ज़्यादातर सन एक्सपोज हों. ठीक है, शुरू में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा फ्लैट रेडिश या ब्राउनिश स्प्लॉच होता है और ये स्लोली स्लोली रफ, ड्राई और स्केली होता जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी लियन जो आपको स्किन की हो रही है एंड अ लियन दैट वुड इवेंचुअली बी अ कार्सिनोमा? क्या डिफरेंस होगा जिससे पता चलेगा, जिससे आपको शक हो सकती है कि ये एक नॉर्मल स्किन डिजीज नहीं है, ये कैंसर बन रहा है? बेटा ग्रोथ, कैंसर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कंट्रोल नहीं हो रहा होता. ठीक है, और एक खास जगह पे मौजूद हो. ये जो इलनेसेस होंगी, ये जो आपको पहले बताई हैं सारी की सारी, दीज वुड बी वाइड स्प्रेड. ये एक खास जगह पे नहीं होती जनरली, ये पूरी की पूरी बॉडी में फैली होती हैं, लेकिन एक खास जगह पे, सन एक्सपोज जगह पे. अब मिसाल के तौर पे आपको कोई सिनेरियो आता है जिसके अंदर सारे के सारी ये इस तरह की जो लियंस हैं वो एक खास जगह पे शुरू हो रही हैं जो कि सन एक्सपोज है और ग्रो करती जा रही हैं,
और बाकी लीन्स जो है वो वाइड स्प्रेड हैं, तो आपको आराम से पता चल जाना चाहिए कि ये कैंसर लग रहा है और ये जो है दूसरी लीन्स लग रही हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी, कॉजेज भी होंगे जो आपको दिए जाएंगे सिनेरियोज में, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा, उससे भी आपको हिंट मिल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा एनीवेज, जब ये ग्रो करना शुरू करते हैं तो ये इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच सकते हैं और फिर मेटास्टेसिस हो सकता है, और जब मेटास्टेसिस हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली कैंसर फैल जाएगा एंड इट विल बी फेटल। अगेन सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा, सदर्न स्टेट्स में क्यों ज़्यादा, क्योंकि सदर्न स्टेट्स में सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, ऊपर तो ठंड होती है ऊपर की स्टेट्स में। अच्छा जी, अगर आप अर्ली ट्रीट, अर्ली डिटेक्ट कर लो और इसे ट्रीट कर दो तो 95% से ज़्यादा ये ठीक हो जाता है। ठीक है, मतलब ये इस तरह की चीज़ है। मेलानोमा सबसे ज़्यादा जो डेंजरस स्किन कैंसर है वो मेलानोमा है, सबसे ज़्यादा डेडली ये है, लेकिन होता ये बहुत कम है, 5% से भी कम लोगों को होता है जिनको स्किन कैंसर हो, लेकिन डेथ्स ये बहुत ज़्यादा करता है, 75% से ज़्यादा ये डेथ करता है बाकी बाकियों के मुकाबले में। सो बट रिसेंटली मेलानोमा की जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा होती जा रही है, और जो यंग एडल्ट्स हैं 25 to 29 ईयर ओल्ड्स, उनमें जो है सबसे सबसे कॉमन कैंसर जो है वो मेलानोमा वगैरह। सो मेलानोमा जो है वो एज यंग एज 12 की एज में डेवलप होना शुरू हो सकता है। तो 15 to 29 ईयर ओल्ड में जो सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है वो मेलानोमा है। अगर मेलानोमा टाइम पे नहीं उतारा जाए या रिमूव किया जाए तो वो बहुत तेज़ी से फैलेगा और इंटरनल ऑर्गन्स तक चला जाएगा, मेटास्टेसिस हो जाएगा इसका और बहुत जल्दी फेटल होगा, और ये हर जगह हो सकता है, इसका सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा वो नहीं है कंसंट्रेशन। अच्छा, ऑर्डिनरी मोल्स के क्या फीचर्स होते हैं? जो ऑर्डिनरी आपके मोल्स होते हैं दे आर राउंड या ओवल शेप, उनके बॉर्डर जो हैं वो शार्प होते हैं और आप को महसूस हो रहा था कि यहाँ तक है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कलर उसका पूरे का पूरे मोल का कलर जो है वो सेम होता है, और 1/4 of an inch से कम उसकी विड्थ होती है, स्मूथ सरफेस होती है या कॉलीफ्लावर लाइक सरफेस होती है, और हल्का सा डोम शेप हो सकता है अगर मोल रेज्ड हो। ये ऑर्डिनरी मोल कि ये फीचर्स आपको इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि जब आप मेलानोमा आपने देखना होता है या मेलानोमा को फिगर आउट करना होता है, वो मोल से मिलता जुलता होता है और वो एटिपिकल मोल होता है। तो एटिपिकल मोल की शेप एक तो गोल सी नहीं होती, इरेगुलर हो जाती है, बॉर्डर्स जो है वो पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, अनइवन सा बॉर्डर बनना शुरू होता है, ब्राउन का एक शेड नहीं रहता, उससे ज़्यादा शेड बन जाते हैं, विड्थ ज़्यादा हो जाती है, और एजेस जो है उसकी वो फ्लैट होती हैं, और सेंटर जो है मोल का वो रेज होना शुरू हो जाता है, ऐसे जैसे कोई फ्राइड एग अपीयरेंस है। ठीक है, तो जब मेलानोमा मोल में इस तरह की चेंजेस आनी शुरू हो जाएं तो आप समझ लो कि वो मोल जो है वो मेलानोमा बन रहा है। और इसके अलावा क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्किन कैंसर के? अमरीका में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दे हैव फेयर स्किन, यहाँ पर हमारी व्हाइटिश कम्प्लेक्शन होती है तो इतने स्किन कैंसर के केसेस नहीं होते, बट फेयर स्किन is a main risk factor, light hair color, family history हो, sunburn बहुत ज़्यादा हो रहा हो वहाँ पर, जब वो अक्सर औकात सन बाथ लेते हैं तो उनके sunburns होते हैं, वो sunburns blisters create करते हैं अक्सर 20 की एज से पहले पहले, अगर बार बार sunburns हो रहे हैं that is a cause, a risk factor for skin cancer, tanning, indoor tanning, उसके अंदर use होने वाली lights, normal moles बहुत ज़्यादा हों तो फिर there is a chance, और atypical moles बहुत ज़्यादा develop होना शुरू हो जाए। risk factors की जब भी आप बात करते हैं तो risk factors दो types के होते हैं और दो चीज़ों में divide हो सकते हैं, एक वो risk factor है जो control किया जा सकता है और एक risk factor होता है जो uncontrollable हो। हम controllable risk factor की बात करते हैं, आप exposure अपना sunlight से control कर सकते हैं, आप सनलाइट का कंट्रोल का जो एक्सपोजर है वो कम कर दोगे तो रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। सनबर्न, अगर आप सनलाइट का एक्सपोजर कम करोगे तो सनबर्न कम होगा, ठीक है, लेकिन कितने सनबर्न्स का क्या परसेंटेज है
अगर बार 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 सनलाइट के पास जा रहा है इंसान, तो हाई रिस्क फैक्टर है। अगर एक सनबर्न हो रहा है उसका बिफोर द एज ऑफ 20, तो 2 times रिस्क फैक्टर है। अगर 3 या उससे ज्यादा हो रहे हैं तो 5 times रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है। 5 times उसका चांस है कि उसको हो सकता है स्किन कैंसर। अगर एक टैनिंग सेशन है अंडर द एज ऑफ 30, तो देर आर द चांस इज ट्वाइस, रिस्क फैक्टर जो है उसकी डेडलीनेस ट्वाइस हो गई है। अगर 10 या उससे ज्यादा टैनिंग सेशंस लेते हो आप एक साल के अंदर अंदर अंडर द एज ऑफ 30, 8 times जो है वो स्किन कैंसर का रिस्क है। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स यू एक्सपोज योर सेल्फ टू दीज रिस्क फैक्टर्स, आपकी परसेंटेज जो है वो ज्यादा होती जाती है। सो अगर आप अपने आप को कंट्रोल करें और इतने ज्यादा सनबर्न के पीछे ना भागें या टैनिंग के पीछे ना भागें, देर आर चांसेस कि आप अपना स्किन कैंसर का जो रिस्क फैक्टर है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वार्निंग साइंस क्या है मेलानोमा के? वार्निंग साइंस में कोई भी मोल के अंदर चेंज आना शुरू हो जाए, या बर्थ मार्क के अंदर चेंज हो, या पिगमेंटेड एरिया या फ्रैकल जो है उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हुए, तो दैट इज अ वार्निंग साइन कि इसको गौर से देखो ये चेंजेस क्यों बन रही हैं। नया मोल बन रहा है, नया फ्रैकल आ रहा है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, स्पेशली आप अगर ऐसे थे जिस जिनकी ज्यादा मोल्स नहीं थे, तो फिर आपको थोड़ा गौर करना चाहिए कि क्या हो रहा है। और एक और तरीका होता है उनको याद करने का कि ये मोल्स डेंजरस डेंजरस मोल बन रहा है, उनकी 4 properties होती हैं, और वो 4 properties आप याद कर सकते हैं ए बी सी और डी से। सिमेट्री, बॉर्डर, कलर एंड डायमीटर। जो मेलानोमाज होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, पूरी तरह से गोल नहीं होते, और हाँ उनकी जो दोनों कलर्स, इवन एक मोल के अंदर कलर भी सेम नहीं होता, कलर चेंजेस होती हैं। बॉर्डर जो होता है वो अनइवन होता है और फजी होता है, पता नहीं चल रहा होता कि ये मोल कहाँ पे खत्म हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। और नॉस्ट एजेस हो सकती हैं उनकी। कलर अगेन, कलर चेंजेस विद इन द मोल, देयर विल बी कलर चेंज, कुछ कुछ शेड ब्राउन का होगा, कुछ और कलर का होगा। डायमीटर जो है बेसिकली मेलानोमा वो काफ़ी बड़ा होगा, और पेंसिल का इरेजर अगर आप देखो तो उससे बड़ी उसकी जो है वो डायमीटर होगा, विड्थ उसकी बड़ी होगी। नॉर्मली मोल्स की विड्थ छोटी होती है, ठीक है, और ये अगर विड्थ बड़ी होती जा रही है तब भी आपको गौर करना है। तो ये 4 चीजों के ऊपर अगर आप फोकस करो, एसिमेट्री, बॉर्डर, कलर एंड डायमीटर, तो आपको आसानी से जो है वो मेलानोमा सस्पिशन हो सकती है, फिर आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। और क्या वार्निंग साइंस है मेलानोमा के? अगर आप मोल की सरफेस का जो जैसी फीलिंग थी पहले वो चेंज हो जाए, उसकी टेक्सचर, नया फ्रैकल बने जो बहुत डार्क है, ड्राई है उसके लिए, और पिगमेंटेड एरिया है जो आपको पहले नज़र नहीं आता था अपनी स्किन पे, अब नज़र आना शुरू हो गया, एंड कोई और कॉज नहीं नज़र आ रहा आपको, मतलब बाकी बीमारियां जो भी आपको बताई हैं उनमें से कोई नहीं नज़र आ रहा, कोई भी नया स्पॉट जो ब्लैकिश कलर का हो, छोटा भी हो तब भी, ठीक है, उसमें भी आप देखो अगर बहुत सारे स्पॉट्स आ रहे हैं तो दैट कुड बी अ वार्निंग साइन फॉर मेलानोमा। अगेन कोई और ऐसा मोल या कोई और ऐसा स्पॉट जो आप आसपास के स्पॉट्स से डिफरेंट हो, वैसे नॉर्मल लग रहा हो लेकिन आपकी और स्पॉट्स हैं आसपास, लेकिन ये जो एक स्पॉट है ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और बाकियों से डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट फील हो रहा है, तब भी आपको सस्पिशन होनी चाहिए मेलानोमा की। अगर कोई इस तरह का मोल या कोई इस तरह का स्पॉट जो जिसके अंदर इचिंग बहुत ज्यादा हो रही हो या ब्लीडिंग हो रही हो जिससे, वो भी, और जो उसका कलर है या जो भी उसका शेडो है या शेड है वो इर्द गिर्द की स्किन तक जा रहा हो, मतलब जैसे यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि वो शेड कहाँ पे खत्म हो रहा है, फजी सा बॉर्डर हो रहा है उसका। सो ये कि सारी के सारे अगर आपको वार्निंग साइंस पता है या रिस्क फैक्टर्स पता है, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि मेलानोमा डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, और ऑब्वियसली फिर डायग्नोसिस वगैरह जितने भी डायग्नोस्टिक तरीकेकार हैं उनसे आप कर सकते हैं। मेलानोमा के बारे में इसलिए थोड़ा ज़्यादा बताया कि मेलानोमा जो है वो सबसे ज़्यादा डेडली है, बाकी जो है वो इतने डेडली नहीं है, और बाकी आसानी से पता चलना शुरू हो जाता है, मेलानोमा का इतनी आसानी से पता भी नहीं चल रहा होता।
इसके अलावा वी हैव ऑटोइम्यून स्किन डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारे पास बुलस स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बुला बनता है, और इसके अलावा सिस्टेमिक डिजीजेज होते हैं जो पूरे के पूरे और ऑर्गन्स को भी कंट्रोल में लाते हैं, और ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट करते हैं लेकिन स्किन को भी इम्पैक्ट कर रहे होते हैं साथ साथ. और कुछ थर्मल इंजरीज है, ठीक है. ये सारी की सारी जो इलनेसेस हैं, ऑटो इम्यून इलनेसेस, इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है. अभी तक कुछ समझ नहीं आई बेटा तो मुझसे पूछ लीजिए.